तो गाइस आईपीएल 2025 के ऑक्शन की तैयारी बीसीसीआई ने पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया। और गाइस जैसे मैंने आपको कहा था कि 2025 के आईपीएल के ऑक्शन की जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बीसीसीआई की होने वाली है वो 30 और 31 जुलाई को होने वाली है, जहां पे आईपीएल के सभी 10 फ्रेंचाइजीज अपना जो भी समर्थन रहेगा मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग वो सामने रखते हुए नजर आएंगे। और गाइस सेम वही चीज हो चुकी है, सभी ऑप्शन के जो भी ओनर हैं उन्होंने अपनी मांग रख दी है और मांग कुछ इस तरीके की रखी है जो कि फैंस के गले के नीचे उतरती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि काफी सारी चीजें यहां पे बदल दी गई हैं, काफी सारी चीजें यहां पे हेडेक में डाल दी है और बीसीसीआई को थोड़े से चीजें परेशान कर दिए। तो गाइस वीडियो को अभी लेके पूरा इन टाइम तक देखिएगा, क्योंकि जो मांग इन्होंने रखा है और उस पर क्या फैसला होना चाहिए उस पे ही इस वीडियो में बात होने वाली। तो बेसिकली वीडियो को अभी लेकर पूरा इंटरनेट देखेगा, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले चीज के बारे में, जो कि यहाँ पे जो कि ओनर्स हैं आईपीएल के, जो कि मैनेजमेंट हैं, उन्होंने बीसीसीआई के सामने जो प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव नंबर वन रहने वाला है कि जो मेगा ऑक्शन का जो विंडो है जो कि हर 3 साल पे मेगा ऑक्शन होता है उसको बदल के 5 साल कर दिया जाए। यानी कि जो भी आपको पूरा मेगा ऑक्शन देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बड़ी नीलामी, एक तरीके से आईपीएल की सबसे बड़ी नीलामी होती है मेगा ऑक्शन, जहां पे सभी टीम्स हैं वो पूरी तरीके से बदल जाती हैं, लेकिन टीम्स ने यहां पे मांग ये की है कि आप मेगा ऑक्शन 3 साल पे नहीं बल्कि 5 साल पे करवाइए। यानी कि मेगा ऑक्शन का जो पूल है, जो डेट है, जो कि विंडो है, जो कि वो आप उसको बढ़ा दीजिए, जो 3 साल पे होता था उसे 5 साल कर दीजिए। तो इसको करने पे जो फायदा होगा सभी फ्रेंचाइजीज को ये होगा कि वो जो अपनी टीम रहेगी, जो मान लीजिए कोई टीम अपनी टीम को बैलेंस बना ली है, अच्छी काफी बैलेंस टीम बना ली है, वो उनकी टीम काफी अरसे तक यानी कि 5 साल तक काफी अच्छी वे में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन जो टीम यहां पे अच्छी नहीं बन पाई है, जो टीम लगातार बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, उनका क्या होगा? उनको तो 3 साल पे चाहिए ना कि कोई मेगा ऑक्शन ऐसी हो कि हम भी यहां पे परफॉर्मेंस दें, क्योंकि अगर कोई टीम अपनी टीम पहले ही साल में अच्छा बना दी, उनकी कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया और अगर 5 साल तक मेगा ऑक्शन नहीं होता है तो वो टीम लगातार ट्रॉफी जीतते ही चली जाएगी और ऐसे में आईपीएल का जो मजा है वो थोड़ा सा किरकिरा होता हुआ नजर आएगा। फैंस भी अपना इन्वॉल्वमेंट खो देंगे क्योंकि उनको भी ऐसा लगेगा कि ये प्लेयर इसी टीम में खेलता है। मेगा ऑक्शन क्या करता है? बेसिकली जो टीम का जो प्लेयर रहता है वो स्वैप हो जाता है, यानी दूसरे टीम में चला जाता है। तो ऐसे देखने वालों के अंदर थोड़ी सी ये चीज रहती है कि ये प्लेयर इस टीम के लिए बेटर किया है, अब ये फाइनली हमारे टीम में आ चुका है, काफी लोगों की अपनी फेवरेट टीम में आ चुका है, जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रही थी टीम मेगा ऑक्शन के बाद, वो प्लेयर उनके टीम में चला गया, अब जब वो प्लेयर उनके टीम में गया है तो परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता है। और ऐसे में अगर आप 5 साल का मेगा ऑप्शन रख देंगे तो वो प्लेयर लगातार उसी टीम के लिए अच्छा करता जाएगा, वो टीम लगातार ट्रॉफी जीतती जाएगी और जो इन्वॉल्वमेंट है, जो पैशनेट है, जो कि फैंस इन्वॉल्व रहते हैं मेगा ऑप्शन और ऑक्शन और आईपीएल के लिए, वो धीरे धीरे करके ये चीजें खोते चले जाएंगे और इससे जो लॉस है वो आईपीएल का ही होता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से जो विंडो है वो 3 साल का ही रहे, सबसे बेस्ट विंडो है, मेगा ऑप्शन को हर 3 साल में ही कंडक्ट कराना चाहिए। अगली चीज के बारे में बात करें लेकिन उसके पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, क्योंकि ये सब न्यूज और जो आपके क्वेश्चंस हैं कल लाइव आऊंगा, लाइव आके सब आपके क्वेश्चंस लूंगा, आप भी अपने जो कि आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। कल मैंने लाइव किया था और काफी ज्यादा बंदों के मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स भी किए थे। आप यहाँ पे चैट के थ्रू नहीं बल्कि वॉइस के थ्रू हमसे चैट कर सकते हैं, क्योंकि हम टेलीग्राम पे लाइव करते हैं, 10 से ज्यादा एडमिन हमारे पास है, लगातार न्यूज आती है, सब चीजें हम टेलीग्राम पे करते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स और स्पेशली लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में चले जाइएगा, लिंक को ओपन करिए और लिंक ओपन करने के बाद डायरेक्ट क्रिकेट धमाल के टेलीग्राम पे पहुंचिए और उसको फॉलो करिए। अगले चीज के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो रिटेंशन है वो 4 से लेकर 6 रिटेंशन की बात की गई है, जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा था कि यहाँ पे सभी टीम का यही मांग है, लेकिन अभी तक भी ये मांग इनकी बदली नहीं है। वो चाहते हैं कि जो आपका जो रिटेंशन पॉलिसी वो 4 से लेकर 6 के बीच में हो, जो कि मैं इसके कतई खिलाफ हूं। मैक्सिमम 4 रिटेंशन रखिए, सबसे बेस्ट रिटेंशन है। अगर 5 रखते भी हैं तो जो 5वां आपका रहेगा वो आरटीएम कार्ड का यूज करिए, 5 के ऊपर आप मत रखिएगा, नहीं तो मेगा ऑप्शन का पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। इससे अच्छा आप मिनी ऑप्शन करवा लीजिए, कोई बड़ी यहाँ पे चीज नहीं है। आप जब अपने कोर को ही रिटेन कर लेंगे, अपने जो मेन कोर है अगर आप उनको ही यहाँ पे रिटेन कर लेंगे तो मेगा ऑप्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोई भी चीज यहाँ पे टीम
उतना ज्यादा अच्छा अपना एफर्ट नहीं डाल सकती। जो कमजोर टीमें हैं, जो कि आईपीएल नहीं जीत रही हैं, जो अपनी टीम को बेटर करना चाह रही हैं, वो कहीं ना कहीं वहीं पे धरी की धरी रह जाएंगी। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 5 रिटेंशन काफी ठीक है। 4 रिटेन करिए, 1 पे आरटीएम कार्ड यूज करिए, 5 प्लेयर को अपनी टीम में रख लीजिए, नहीं तो मैक्सिमम मैं तो चाहता हूँ 4 ही आप रखिए, 4 रखिए, पूरी टीम को ही नहीं कर दीजिए। अगली चीज के बारे में हम बात करें तो कुछ टीमें यहाँ पे सजेशन दी है 8 आरटीएम कार्ड यूज करने के बारे में, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, यानी कि आप यहाँ पे लगभग दर्जनों के हिसाब से आधा दर्जन के ऊपर आप आरटीएम कार्ड लगा दीजिए। बहुत ही वाहियात ये नियम मुझे लगता हुआ नजर आया, क्योंकि 8 आरटीएम कार्ड, यानी कि आप 8 आरटीएम कार्ड लगाने की कोशिश करेंगे किसी एक प्लेयर के ऊपर, यानी कि 10 टीमें 80 आरटीएम कार्ड लगेंगे, 80 आरटीएम कार्ड आप किसी टीम पे अगर लगाएंगे तो आपकी कोर कहीं आप रिटेन तो नहीं कर लेंगे ना। अगर कोई प्लेयर 20 से 25 करोड़ चला गया, टीम्स अगर उस पे आरटीएम कार्ड लगाएंगी, कहीं ना कहीं उनका कट जाएगा, चीजें मुश्किल हो जाएंगी। 8 आरटीएम कार्ड का तो यहाँ पे बेशक सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको अगर बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं अगर इसको परमिशन दे दिया 8 आरटीएम कार्ड को लेके, तो ये जो ऑक्शन है वो बहुत ही वाहियात ऑक्शन हो जाएगा। इससे अच्छा आप मिनी ऑक्शन करवा लीजिएगा। अगर ये चीजें आप अगर करेंगे, 8 आरटीएम कार्ड का यूज करेंगे, तो सीधा सीधा इसको मिनी ऑक्शन कर दीजिएगा, वो बेटर चीजें रहेंगी और चीजें आपके लिए और ज्यादा मुश्किल ही हो जाएंगी। क्योंकि मेरे हिसाब से 8 आरटीएम कार्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1 या 2 आरटीएम कार्ड काफी अच्छा है, नहीं तो चीजें आपके लिए ही मुश्किल हो जाएंगी। अगले चीज के बारे में बात करें तो कुछ टीमें 1 अपने बिग प्लेयर को रिटेन करने के बारे में बोल रही हैं कि आप अपने जो भी टीम्स रहेंगी उनको, जो भी आपके जो ब्रांड वैल्यू वाले जो प्लेयर हैं, जो काफी बड़ी अपनी छवि प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ 1 प्लेयर को रिटेन करिए, बाकी सभी खिलाड़ी को रिलीज कर दीजिए। ये भी प्रस्ताव मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन अगर बीसीसीआई अगर ये कर देती है तो कहीं ना कहीं अगर एक रिटेन प्लेयर के अगर नाम की बारी आएगी तो सचमुच इस बार के ऑक्शन में आग लग जाएगा। आईपीएल का ऑक्शन की जो हाइप है वो नए स्टॉक तोड़ देगी, सभी व्यूअरशिप में रिकॉर्ड तोड़ देंगे, नए नए एडवर्टीजमेंट का रिकॉर्ड तोड़ देंगे अगर 1 प्लेयर रिटेन करने की बारी आएगी। क्योंकि कुल मिला के 10 प्लेयर रिटेन होंगे, 250 से 300 प्लेयर सभी टीम्स में जाएंगे और ये जो ऑक्शन है वो सचमुच काफी बड़ा नीलामी बन के साबित होगा। अगर ये कर देते हैं तब भी किसी को उतना ज्यादा नहीं रहेगा, परेशानी नहीं रहेगी, लोग चाहेंगे ठीक है कर लीजिएगा, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर ऑक्शन में आ जाएंगे और हाइप ऑक्शन की काफी बड़ी हो जाएगी। अगली चीज के बारे में बात करें तो 120 करोड़ की पर्स वैल्यू रख दी गई है बीसीसीआई ने, ये अपनी ओर से कंफर्म कर दिया है कि 120 करोड़ का पर्स रख दिया गया है, यानी कि काफी बड़ा पर्स वैल्यू। हम जो मॉक ऑक्शन करवाते हैं बेसिकली वही हम करते हैं, मॉक ऑक्शन में हम लोग 120 करोड़ की पर्स रखते थे, तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई भी वही काम करती हुई नजर आई है और अब प्लेयर्स की जो हाइप है, जो स्टॉक है, जो ब्रांड वैल्यू है, वो जो प्राइस है, वो सचमुच काफी ज्यादा बढ़ा जाता हुआ नजर आएगा। तो सचमुच ये ऑप्शन काफी ज्यादा बेटर होने वाला है अगर बीसीसीआई दिमाग से काम ले, प्रेशराइज होकर अगर काम करेगी, कोई गलत कदम उठा लेगी तो सचमुच पूरा ऑप्शन बिगड़ जाएगा, और थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़े से चीजों को अगर बेटर करेंगे तो सचमुच ये जो मेगा ऑप्शन है वो बेस्ट मेगा ऑप्शन बन के रह जाएगा। तो अब देखिए चीजें क्या होती है, क्या होता है आगे, चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, कल लाइव आऊंगा, लाइव में भी आप क्वेश्चन पूछिएगा, अपने ओपिनियन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सबका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए उसको फिलहाल वीडियो एंड करते हैं वापस अगले एनालिसिस के साथ।